नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में HD थंबनेल कैसे बनाएंगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। पीछे से कोई आवाज़ आती हो तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, घर से बाहर हूँ। दैट्स मीन आई एम आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। जो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको तो सबको पता ही है कैनवा ऐप के बारे में, कैनवा ऐप पे किस तरीके से थंबनेल बनाया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। मगर यहाँ पे आप जितने भी थंबनेल बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई भी थंबनेल बनाएंगे वो HD नहीं होता है, क्योंकि वो MB में नहीं होता है, वो KB में होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं सिंपली आपको इस थंबनेल को मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये थंबनेल ऑलरेडी मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है, इसको मैं सिंपली आपको यहाँ से एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं सिंपली इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये डाउनलोड हो चुका है, अब मैं इसे इमेज में ओपन करता हूँ, ठीक है। लाइब्रेरी पे जाता हूँ, लाइब्रेरी पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कैनवा में मैंने जो डाउनलोड किया है, तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इन्फो में जाऊँगा, तो देखिए ये अभी 302 KB का है, ठीक है। दैट्स मीन ये HD नहीं है। तो जब भी इसे अपलोड करेंगे तो वो क्या, आपका इमेज जो है वो फटफट जाता है, ठीक है। वो जब भी कोई आपका वीडियो जब आएगा और थंबनेल आपका शो करेगा तो वहाँ पर वो थंबनेल वो HD शो नहीं करेगा। दैट्स मीन आपका जो थंबनेल है वो थोड़ा सा हेजी शो करेगा। तो इसे HD में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता ही रहता हूँ, ठीक है। लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको पिक्सल लैब में आना है। आपने कैनवा पे थंबनेल डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में आपको पिक्सल लैब पे आना है, ओके। पिक्सल लैब में आने के बाद में सिंपली यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ से आपको इमेज साइज पे सेलेक्ट करना है। करने के बाद में यहाँ पे जो कस्टम है इस पर क्लिक करना है। करने के बाद में आपको यहाँ से यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना, ओके। करने के बाद में यहाँ से ओके कर देना, ठीक है। पीछे से कोई आवाज़ आती हो तो इग्नोर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं घर पर नहीं हूँ, मैंने आपको जैसे कहा मैं बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो आप जाकर वहाँ फॉलो कीजिए, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। तो जैसे आपने थंबनेल पे क्लिक किया, आपका यहाँ थंबनेल का साइज चले आया, ठीक है। उसके बाद में सिंपली इस प्लस पे क्लिक करना है। करने के बाद में फ्रॉम गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद में आपको अपने यहाँ से डाउनलोड करके रखा है इमेजेस पे। तो देखिए, कैनवा पे मैंने जो डाउनलोड किया था, इस कैनवा पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये 302 KB का है, ओके। तो सिंपली इस पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद में यहाँ से राइट क्लिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ से आपको सिंपली इसे साइज कर लेना है इस तरीके से, ओके। करने के बाद में इस 3 डॉट पे जाके यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। करने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेट जो है JPG है, इसको आपको PNG कर देना है। करने के बाद में इस कस्टम वाले पे क्लिक करना है। करने के बाद में इसे अल्ट्रा पे क्लिक कर देना, ओके। उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है। तब तक प्रूफ नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद में अपनी गैलरी पे जाना है। गैलरी पे जाने के बाद में आपने जो सेव किया है, ठीक है, लाइब्रेरी पे जाता हूँ। लाइब्रेरी पे जाने के बाद में देखिए, कैनवा ऐप में एक सेव किया था, उसके बाद में मैंने इसे पिक्सल लैब में सेव किया। देखिए ये कैनवा का है, ये पिक्सल लैब का है। तो सिंपली इस पिक्सल लैब पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे पहले जो मेरा इमेज था कैनवा का, ठीक है, ये 302 KB का है, ठीक है, 302 KB। अब पिक्सल लैब में मैंने जो सेव किया है, मैं दिखा देता हूँ पिक्सल लैब में, इसको मैं क्लिक करूँगा। करने के बाद में इन्फो पे जाऊँगा तो देखिए 1.3 MB का ये हो चुका है, ठीक है। सो इसे आप यूट्यूब थंबनेल में 2 MB के ऊपर आप थंबनेल सेव नहीं कर सकते, लेकिन 2 MB के बीच में जो भी होगा, दैट्स मीन ये आपका अभी HD में आ चुका है। 2 MB के ऊपर भी आप सेव कर सकते हैं थंबनेल, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि HD थंबनेल कैसे अपलोड करें, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना भी थंबनेल है जो KB में है उस MB में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स मीन HD में, ओके। फिर से कहता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन हिट करना मत भूलना, ताकि मेरे जितने वीडियो को नोटिफिकेशन है आप तक अपलोड करते ही पहुंचते रहे, आपका नॉलेज भी बढ़ता रहे, आप लोग इंटरटेन भी होते रहे और आपको इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मेरी तरफ से मिलते रहे। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज मुनू जयसागर टेक्निकल ट्रैक चेकिंग आउट। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशनल, टेक्निकल और हेल्पफुल कंटेंट में। बाय।